हेलो फ्रेंड, कुकिंग में डिजी बाय पिंकी में आपका स्वागत है नया रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन या बेंजल की कोफ्ता। आपको पता ही नहीं चलेगा ये बैंगन की कोफ्ता है, आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। कोफ्ता बनाने के लिए बैंगन चाहिए, आप व्हाइट ब्लैक कोई भी कलर की बैंगन ले सकते हो। बैंगन को अच्छे से धुलाई करके रखा है, अब इसको छिलका उतारना है। छिलका सारे अच्छे से निकल देंगे चाकू के मदद से। कि छिलका निकल दिया, देखिए चार टुकड़े में मैंने कटिंग कर लिया, जो अंदर कभी कभी कीड़ा रहता है उसको देख के कटना है। इसको कद्दूकस कर लेंगे। मैं दो बैंगन ली हूँ, अब अपने हिसाब से ही लेना। सारे बैंगन को जो बीज है उसका निकाल देंगे। कद्दूकस करने का टाइम जो बीज है ऊपर आ जाएगा उसको निकाल देना है। सारे कद्दूकस कर लिया, इसके साथ एक बॉयल वाला आलू भी मिक्स करेंगे। आलू को हाथ से मैश कर लिया। अभी आधा टुकड़ा प्याज छोटे छोटे कटिंग कर लिया। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालना है। इसमें दो बैंगन है तो एक आलू डालना। दो टीस्पून बेसन, हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मेरे चैनल में नया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, तो आपका नया नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। वन टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी एक एक करके कोफ्ता का आकार दूंगी। सारे ऐसे करके कोफ्ता का आकार बना लिया। अब इसके लिए प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर कद्दूकस कर लिया। अभी कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, मैं सरसों तेल में बना रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। एक एक करके कोफ्ते को डीप फ्राई कर लेंगे। सारे कोफ्ते को डाल देंगे। आप बहुत बार बैंगन की सब्जी खाई होगी, एक बार घर पर ऐसे ट्राई करना। कोफ्ते फ्राई हो गया, 5 से 7 मिनट तक इसको गैस को मीडियम फ्लेम में रख के अच्छे से फ्राई कर लेंगे कोफ्ते को। जैसे लाल लाल हो गया, अब इसको निकालेंगे। अभी थोड़ा सा तेल उठा के रखा है, अभी तेल में एक तेज़पत्ता, हाफ टी स्पून सबूत जीरा और आधा प्याज बचा था उसको छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग करके उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, प्याज, प्याज को भी पेस्ट बना के रखा था उसको भी डालना है। आप एक ही बार में मिक्सर ग्राइंडर में भी मसाला पीस के भी डाल सकते हो। मैंने अलग अलग करके पेस्ट अलग अलग करके रखा है तो उसको डाला है। अभी एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसको कटिंग करके डाला है।
मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे गैस को मीडियम फ्लेम में रख के। हाफ टी स्पून नमक डालना है क्योंकि कोफ्ता में भी नमक डाला है, इसीलिए बाद में टेस्ट करके फिर डालेंगे नमक। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, डाल के मसाला को अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को मीडियम टू लो फ्लेम में रखा है। देखिए मसाला से तेल छोड़ना शुरू हो गया। अब इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए डाल के मसाला को अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे मसाला का खुशबू छोड़ना शुरू हो जाए थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे अच्छे से मसाला पकने के लिए। मसाला पकने के लिए थोड़ा सा ही पानी डालना है। डाल के अच्छे से मसाला को फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन नहीं रहेगा। देखिए मसाला से फिर से तेल सोना शुरू हो गया। अब इसमें गर्म पानी डालना है, डाल के 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे। ये ग्रेवी गाढ़ा हो गया है। अब स्वाद अनुसार इसमें नमक मिर्ची डालना। अभी गैस बंद करके कोफ्ते को डालना है। कोफ्ते को डाल दिया, सारे कोफ्ते को डालना है। डाल के ऊपर से गरम मसाला डालना है। कोफ्ता देने के बाद ही तुरंत ही गैस बंद कर देना, नहीं तो कोफ्ता फिर गल जाएगा। ऊपर से गरम मसाला डाल के ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए रखना है। अब इसको रोटी चावल के साथ खा सकते हो। घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिखना कैसे बना है। थैंक यू।